इंडिपेंडेंस डे के मौके पर वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया था फिटनेस फैक्टर जिम में। जी हाँ, याद रखिए, इसके साथ साथ प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। एक सक्सेसफुल इवेंट हुआ जहाँ पर बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेड लिफ्ट, हैवी लिफ्टिंग सभी कॉम्पिटिशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए थे। कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया। और ये इवेंट में याद रखिए, हर कोई तो जो है रेस्टोरेंट खोलता है, हर कोई तो कैफे खोल रहा है, हर कोई जो है कुछ ना कुछ खोल रहा है, लेकिन जिम्स के अंदर अगर आप फिटनेस में मेंटेन करते रहेंगे तो ये आपके लिए और आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। और फिटनेस फैक्ट्री हमेशा से एक क्वालिटी जो है जिम का एक एग्जाम्पल सेट करते आई है, और इस बार भी उन्होंने इस तरह के कॉम्पिटिशन रखकर लोगों में काफ़ी एक अच्छा मैसेज जाते हुए नजर आ रहा है। आइए देखते। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे जिम में एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ किए थे फिटनेस फैक्ट्री में। 14 अगस्त को कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ किए थे, वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन था जिसमें डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स और बेंच प्रेस, ये तीन कैटेगरी थे जिसमें दो अलग अलग डिविजन्स बनाए हुए थे। एक था बिलो 70 kg बॉडी वेट और एक अबो 70 kg बॉडी वेट। तो हमारे दो विनर्स है, एक है जिशान अली और एक है साई कुमार। तो चलिए उनसे पूछते क्या है क्या नहीं कैसा। तो बताइए जिशान, कैसा लगा आपको? नहीं सर, एक्सपीरियंस तो बहुत अल्टीमेट था। पहली बार ऐसा कुछ कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था मैंने, तो मज़ा तो बहुत आया। और बाकी सब हाइप, लोगों ने जितना हाइप किया उसकी वजह से शायद मैं जीत पाया। ये फर्स्ट टाइम था जो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे? हाँ, मैंने पार्टिसिपेट बेसिकली फर्स्ट टाइम था मेरा कोई ऐसा वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन। हाँ। तो कैसा लगा आपको, कितना वेट गया? आप नॉर्मली जितना मारते उससे थोड़ा ज़्यादा ही मारा रहेगा। हाँ, हाइप की वजह से ही, जितना भी मारा हाइप की वजह से ही मारा, जितने सब लोग खड़े थे उनकी वजह से हुआ है। वरना ऐसे ही रैंडम तो जिम में ऐसे करते रहते हैं, उतना वेट नहीं होता है जितना जब सब लोग साथ में होते हैं। हाइप को हाइप होता है, मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। बहुत इंस्पायरिंग इवेंट था। अच्छा लगा भाई, पहली बार खेले ऐसे शो में और ऐसे सर्टिफिकेट पहली बार ले, अच्छा लगा बहुत। और प्राइस भी दिए, पीनट बटर और सब, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। इसके पहले कहीं पे पार्टिसिपेट किए थे कि ये फर्स्ट टाइम था जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे? फर्स्ट टाइम। तो आगे भी हम इस तरह कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने वाले और हम चाहेंगे कि आप सभी पार्टिसिपेट करें और जीते और अपने आप को थोड़ा आगे पुश करें। तो पार्टिसिपेट करेंगे आप आगे भी? बिल्कुल। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज राहुल चौहान, ओनर ऑफ फिटनेस फैक्ट्री। और 14 अगस्त को वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ किए थे हमारे जिम के तरफ से, और लिमिटेड लोग ने पार्टिसिपेट किए। जो भी किए बहुत अच्छा डिसिप्लिन से और नीटनेस से किए, और इससे और लोगों से, वो पार्टिसिपेट लोगों से मुझे ये समझ में आया कि हार नहीं माने लोग, हर एक चीज़ को पॉजिटिव लेके कुछ पुशअप किए, अच्छा किए, ट्राई किए, तीन टंबी लिए लेकिन अच्छा किए, बहुत अच्छा लगा। और खुशी की बात ये है कि जो भी यंगस्टर्स है बहुत आगे तक जा सकते हैं ये कंपटीशन देख के, बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच, बहुत सपोर्ट किए फिटनेस फैक्ट्री को, सपोर्ट किए हम लोगों को भी, सपोर्ट किए। और ये जिम लोकेटेड फिटनेस फैक्ट्री बोल के लोकेशन है MG रोड, सहाना स्ट्रीट, इन बिटवीन फूड जोन एंड ASM हॉस्पिटल, यहाँ पे लोकेट करता है जिम। और जिम का फैसिलिटीज़, आपको एक अच्छी कैफ़े मिलेगा ये जिम में, बहुत प्रीमियम एंड बिगेस्ट जिम है ये, उसमें और स्टीम बाथ मिलेगा आपको, सोना बाथ मिलेगा, और लॉकर्स मिलेगा आप लोगों को, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। और ट्रेनर्स बहुत अच्छे ट्रेनर्स मिलेंगे आपको, सपोर्टिव और मोटिवेटिव ट्रेनर्स मिलेंगे आपको। हर जिम में तो मिल सकते हैं लेकिन ये जिम में थोड़ा एक यूनिक है, एक टीम बॉन्डिंग है। और बल्कि ये जिम देखने के बाद फिटनेस फैक्ट्री नहीं लगता, फिटनेस फैमिली लगती है लोगों को देख के, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। बेसिकली फिटनेस फैक्ट्री जिम जो है गुलबर्गा का नंबर वन जिम है, वन ऑफ द बिगेस्ट जिम इन गुलबर्गा, जहाँ पे आपको एक अलग वाइब मिलेगी। यहाँ पे आके आप जब वर्कआउट करेंगे तो एक अलग वाइब मिलेगी, एक अलग मोटिवेशन मिलेगा आपको। हमारे पास में स्टीम्स वगैरह अवेलेबल है, इन फ्यूचर में सोनापत भी अवेलेबल होगा, कार्डियो सेशन है, वार्म अप के लिए अलग से रूम है,
तो जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है या जो भी एथलीट है वो यहाँ पे आइए, जिम देखिए, मेंबरशिप लीजिए, आपको भी एक मज़ा आएगा वर्कआउट करने के लिए। ये जो जिम है फिटनेस फैक्ट्री जो लोकेटेड है एमजी रोड पर गुलबर्गास लग्जरियस जिम है, हम लोग तकरीबन बहुत दिन से जिम कर रहे हैं। जिधर जो जिम है इधर का जो वाइब है, जो हाइजीन है, जो नीटनेस है, आप एक बार आके ट्राई करिए और एक बार आके एक्सपीरियंस करिए इधर कैसा जिम है। और यहाँ पर बेस्ट कोच है जैसे कि अविनाश सर है और जैसे कि ओनर हमारे राहुल सर है। आपको यही बताना चाह रहे हैं कि एक बार आप आके इधर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और आके इधर वर्कआउट करें। गुलबर्गा में जितने भी एथलीट्स है जैसे कि रेडी होना चाह रहे हैं, जैसे कि मेन फिजिक है, बॉडी बिल्डिंग है, जो भी खेलना चाह रहे हैं, यहाँ पर गुलबर्गा वन ऑफ द बेस्ट कोच है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मैंने भी बहुत सारे शो खेले हैं, लास्ट शो सर के अंडर रेडी हो गया था मैं भी और बहुत कम टाइम में बहुत रेडी हो गया था। तो इंशाल्लाह आइए आप लोग भी अंडर ट्रेन करिए, एक बार रिजल्ट देखिए सर के हाथ का कैसा है, तो इंशाल्लाह आपको भी कुछ ना कुछ स्पॉट मिलेगा कॉम्पिटिशन्स में। तो यही बोलना चाहूँगा कि आके एक बार आपका एक्सपीरियंस ट्राई करें सर के पास। थैंक यू। बहुत से बच्चे हैं जिन्हें कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी होती है, बॉडी बिल्डिंग हो, मेंस फिजिक हो या क्लासिक फिजिक हो, बहुत से बच्चे रेडी होना चाहते हैं बट उन्हें एक सही कोच नहीं मिलता है। तो जो भी बच्चे रेडी होना चाहते हैं इन फ्यूचर, वो सोच रहे हैं कि हम कम्पीट कर सकते हैं, तो आप बेशक हमारे पास में आ सकते हैं। अगर मेंस फिजिक के लिए आप रेडी होना चाहते हैं तो आप मेरे पास में एनी टाइम आ सकते हैं, मैं रहूँगा आपके लिए। और अगर बॉडी बिल्डिंग में आप कम्पीट करना चाहते हैं तो हमारे पास में छान भाई भी है जो मिस्टर कल्याण कर्नाटका रह चुके ये साल के, तो आप इनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे कि आप सब लेके जानते हैं कि हमारा जिम सबसे बिगेस्ट जिम है, गुलबर्गा फर्स्ट फिटनेस फैक्ट्री बिगेस्ट जिम, और लग्जरियस है और नीटनेस हाइजीन, यहाँ तक कि आप हर चीज़ से इक्विपमेंट से लेके अपना हाइजीन नीटनेस मेंटेनेंस ए टू जेड क्लीन, और हर चीज़ के लिए हम यहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर फैसिलिटी देंगे। और जैसे कि आप जानते हैं आजकल के यूथ जनरेशन जो बॉडी बिल्डिंग के लिए गलत रास्ता चुन रहे हैं, उनसे मैं बहुत दिल से ये बोलना चाह रहा हूँ कि गलत रास्ता मत यूज़ करें, सही गाइडेशन लीजिए, सही डाइट कीजिए और अपने आप को सही सेफ रखिए। और जो अगर बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेशन है यानी कि कॉम्पिटिशन खेलने वाले हैं तो आप एक बार फिटनेस फैक्ट्री विजिट करिए और अपने यहाँ पर ट्रेनर बेस्ट ट्रेनर है उनके हाथ में अंडर ट्रेन कीजिए, उसके बाद आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि बॉडी बिल्डिंग कैसे किया जाता है। ओके, थैंक यू। Thank you for watching GoHash. Like, share, and subscribe our channel.